फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमें शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमें शाह जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमें शाह डोगरा राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमें शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें शाह जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमें शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमें शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमें शाह राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमें शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमें शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, पिछड़ों बोले युवा विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। डोगरा रियासत का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह लोकतंत्र को बहाल करो, बहाल करो। सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सरकार मुर्दाबाद, जम्मू के साथ 7 वर्ष हो चुके हैं आप। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट के भी इनके बनाए, डीडीसी इनके बने, बीडीसी इनके बने, लेकिन जुमलों के अलावा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला, जम्मू को खास तौर पर कुछ नहीं मिला है। और आज अमित शाह जी का दौरा है, हम उनका स्वागत काले झंडों से कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी, हमारी स्टेट तक हमसे छीन ली गई, जो एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में। 200 साल पुरानी स्टेट को एक झटके में आपने हमसे छीन लिया और स्टेट को इसका दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी आपने बना दिया। उसके बाद आपने जमहूरी निज़ाम से हमको वंचित कर दिया। जमहूरियत हमारा एक अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि यहाँ चुनी हुई सरकार हो, लेकिन प्रॉक्सी रूल चलाकर आप बाहर से लाए हुए बाबू लोगों के द्वारा जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर तरफ एक निराशा का माहौल है और ख़ास तौर पर कल जो बारिश हुई है और जिसकी वजह से फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि किसानों का नुकसान हुआ है या उसकी भरपाई की जाएगी, और अपना सियासी एजेंडा को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ भाषणबाजी होती है, जो टैक्स पेयर मनी यहाँ जम्मू कश्मीर में इकट्ठी होती है उसके ऊपर ये 70 मिनिस्टर पहले से यहाँ पिकनिक करते रहे और अभी भी यही हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नौजवानों की सुनवाई नहीं, किसानों की सुनवाई नहीं, भी धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है क्योंकि नेता जो है नेता खुद अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं। देखिए ये तो वही बता सकते हैं जो जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक डर का माहौल बना रखा है, एक खौफ का माहौल बना रखा है। डराया जाता है, लोग लीडरों को धमकाया जाता है, लालच दिए जाते हैं ताकि उनको तोड़कर अपनी पार्टी में मिला सकें वो, और उनके खिलाफ बोलने वाला कोई ना रहे। यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है क्योंकि कुछ भी करने में वो सफल नहीं हुई है, अपने सारे के सारे वादे उनके फिसड़ी साबित हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई निशानदेही करे कि ये क्या क्या फेलियर्स उनके हैं। इसीलिए वो जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ को तोड़ रहे हैं और इन लोगों को भी जवाब देना होगा, आवाम को, जो एक एक करके उनकी झोले में गिर रही है।